इस नियत के साथ इन महफिलों में बैठा हूँ और आप बैठे नहीं हैं, आप बड़े खूबसूरती हैं, आप आए नहीं हैं, आप कहेंगे मुझे सैयद बासू साहब ने बुलाया, मुझे फला साहब ने बुलाया, मगर मैं नंगे की चोट पर उलमा की मौजूदगी में कहना चाहूँगा कि आपको किसी ने नहीं बुलाया, आपको मदीने वाले नबी ने बुलाया। और तुम बैठे नहीं, पता नहीं कितने लोग चले गए यहाँ से उठ करके और कितने लोग किसी तरह से निकल गए होंगे, मगर तुमको आपने दिखा दिया के नाम से जानते पूरी लिस्ट आएगी। भारत में बहुत बहुत जगह और यहाँ तक विदेश के सभी में भी आप जाते आते रहते हैं, बड़े अच्छे गायक आप अगर इजाजत दीजिए आप पर मैं पहुंचना महत्वपूर्ण मैं पूरी देश के लिए आती हूँ, इजाजत है आपकी सारा मजमा एक बार मिलकर रसूल का है हमको यकीन है कि नबी आएंगे जरूर, महफिल में हमने कभी की है दावत, दुनिया में पहले आए हैं और उम्मत मगर जन्नत में पहले जाएगी उम्मत रसूल की के दिल में मोहब्बत हार्दिक
मोहब्बतों का वही इम्तिहान देते हैं, मोहब्बतों का वही इम्तिहान देते हैं, अपने पास पर जो अपनी जान देते हैं, मोहब्बतों का वही इम्तिहान देते हैं, अपने पास पर जो अपनी जान देते हैं, और उत्तर मसीह नबी है ऐसा लगता है बिलाल आज भी जैसे अजान देते हैं, बिलाल आज भी जैसे अजान देते हैं, और अजान मैं इतना कह के आगे बढ़ूं, न जन्नत में गरीब ना धनवान जाएगा, जन्नत में ना गरीब ना धनवान जाएगा, जन्नत में सिर्फ साहिबे ईमान जाएगा, जन्नत में सिर्फ साहिबे ईमान जाएगा। हर आज के रसूल मैदान हश्र में, हर आज के रसूल मैदान हश्र में अपने नबी को देख कर पहचान जाएगा, अपने नबी को देख कर पहचान जाएगा। सुनियो ये मैसेज लेके जाओ कि दुनिया के माल उधर सब यहीं रह जाएंगे, मगर दुनिया के माल उधर सब यहीं रह जाएंगे, मगर मरने के बाद कब्र में कुरान जाएगा, मरने के बाद कब्र में कुरान जाएगा। ये मिलाद क्यों की गई? मैं आपसे पूछना चाहूंगा, सुन्नियों का अकीदा ये है कि जब नबी की मिलाद पढ़ी जाती है तो अल्लाह मरने वाले के गुनाहों को माफ कर देगा, मरने वाले के गुनाहों को माफ कर देता है। तो आइए मैं थोड़ी देर के लिए मिलाद पढ़ता हूँ और अपनी बात को आगे बढ़ाता हूँ। हजरात, अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा इलेक्शन का दौर दौड़ा था, हर इंसान अपने अपने कैंडिडेट को चुन रहा था और कह रहा था ये अच्छा वो अच्छा, ये चुनाव आपका है। आप किसी लीडर और नेता को जब चुनते हैं तो चुनाव आपका होता है, ये अच्छा है वो अच्छा है। एक चुनाव मैं आपको दिखाऊँ, आज से काफी दिन पहले रब ने चुना था, वो चुनाव बंदों पे नहीं रखा था, अगर बंदों पर रखा जाता मामला कुछ बनता। अल्लाह ने चुना और चुन करके आमिना की गोद में भेज दिया और कहा ऐ मेरे ऐ मेरे बंदो, चुनाव मेरा रहेगा, हाथों में दामन तुम्हारा, चुनाव मेरा रहेगा और हाथों में दामन तुम्हारा रहेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 तारीख की सुबह का कहा नमक था मक्के की धरती पर आमिना की गोद में जब तस्वीर लाए अल्लाह की रहमत चाहिए। ऐ मेरे बंदो, ये वो रसूल है जिनके हाथ लाजवाब है, जिनके पैर लाजवाब है, जिनकी गुल्फे लाजवाब है, जिनका सीना लाजवाब है, जिनका मदीना। और जल्दी शॉर्ट कर तुम कह दूं कि वो रसूल है जिनके हाथ लाजवाब वो मुस्तफा है, जिनके पैर लाजवाब वो मुस्तफा है, जिनकी भुल्फे लाजवाब वो मुस्तफा है, जिनके संदान लाजवाब वो मुस्तफा है और जिनका खानदान लाजवाब। बेशक बेशक, आज हम लोग बैठे हैं मुस्तफा की तारीफ करने के लिए। आप जानते हैं इन्होंने की मुझसे पेश कर गुलमा ने की, मुझसे पेश कर उपास ने की, कुर्रा ने की और मेरे बाप की शायद हम हकी से आने वाले उलमा करेंगे, मगर हजरत हम करें तो अलग चीज है। शान तो ये है अपने तो अपने गैर भी तारीफ करते हैं, पंडित नवीन किशोर है अपनी भाषा में बोल पड़े, हर सुंदर कमल मुक्ताए नामे मोहम्मद जग जग छाए। मैंने कहा पंडित जी क्या मतलब और आगे कुछ कहिए, तो पंडित जी और आगे कहते हैं हर कोमल जय हाथ उठाई चांद सूरज सब छुप छुप जाई। मेरे नबी की ये शान है कि नबी की जब उंगली होती है आसमान का चांद उधर चला जाता है, अगर पैगंबर की उंगली पूरब है तो आसमान का चांद भी पूरब है, अगर उंगली पश्चिम है तो आसमान का चांद भी पश्चिम है। हर मुख्तसर शॉर्ट कर कह दूं मेरे वो रसूल है, मेरे आका की वो शान पाक है। आप जानते हो, आपको मैं बताना ये चाहूंगा, अल्लाह की रहमत कहती है मेरे आका ने उंगली का इशारा किया, डूबे हुए सूरज को पलटा दिया, कंकरों से पलटा कलमा पढ़ा दिया, पत्थरों से सलाम पढ़ा दिया, इन पेड़ों को देखो। हजरत पंडित नबी किशोर ने जब ये बात कही, मैंने कहा हिंदुस्तान में कुछ मानेंगे कुछ नहीं मानेंगे, कहा पेड़ देख लो यही वो पेड़ है जब आका बुलाते थे तो अपनी जड़ों को फेर कर आका की बारगाह में हाजिर हो जाते थे। मैंने कहा मतलब, कहा इन पेड़ों को जो जिंदगी देता है उसे खुदा कहते हैं और जो बुला लेता है उसी को मुस्तफा कहते हैं। पैगंबर इस्लाम कहते हैं बस में इनका मैं तेरा हुक्म नकलते देखा, बस में इनका मैं तेरा हुक्म नकलते देखा और हुक्म पाते ही दर्शकों को भी चलते देखा। आओ बैठो हजरात, अगर तुम्हारी माँ दुनिया से चली जाए, अगर तुम्हारा बाप दुनिया से चला जाए तो तुम कोशिश किया करो कि अपने माँ बाप की कब्रों पे जाया करो, अपने माँ बाप की कब्रों पे जाया करो। हजरात, और कुछ नसीब है वो लोग जिनके माँ और बाप का साया उनके सर पे मौजूद, उनके सर पे मौजूद है। अगर काश तुम्हारे बाप और तुम्हारी माँ दुनिया से चली गई तो कब्रिस्तान पहुंच कर उनकी कब्रों पर जाकर फातिहा पढ़ा, उनकी कब्रों पर जाकर दुआएं मांगा करो और किस तरह से ये कहा करो, या अल्लाह हमारे बाप के सदके हमारी दुआ कबूल कर,
हमारे बाप के सत्य हमारी दुआ कबूल फरमा ले। रात इतनी बात आपने कह दी, मैं मिसाल दे के समझाना चाहता हूँ। एक बेटा है, बचपन का आलम है, अपने बाप के पास आता है और आकर के जब आता है और बाप से कुछ मांगता है तो कभी बाप पैसे दे करके उसको वापस कर दिया करता है, वही बाप कभी उसको चीज दे करके वापस कर दिया करता है, कभी तो खाने का सामान देता है, कभी तो वो बाप उसको पैसे देता है। आज बाप दुनिया से चला गया, कब्र की संगला जमीन में तप्त है, आज बेटा खड़ा है और अभी बाप के सत्य में जब रब की रहमत से कहता है, अरे अल्लाह मेरे बाप के सत्य मेरी दुआ कबूल फरमा ले, तो रब की रहमत क्या की है, अरे कौन है ये मांगने वाला, कौन है? कहा अपने बाप के सत्य मांग रहा है। कहा अच्छा ये बताओ क्या उसके बाप तो है नहीं, मगर उसके बावजूद कहा बाप का वसीला पेश कर रहा है, तो रब की रहमत क्या की है? अरे फरिश्तो ठहरो ठहरो, जब बचपन में ये अपने बाप के पास जाता था और बाप से कुछ मांगता था तो बाप इसको पैसा दे के कभी पलटाता था, कभी खाने का सामान दे के पलटा खाता। आज इसका बाप कब्र में दफन है और जब ये बेटा मांगने आया है तो आप बाप को दे नहीं सकता है, मगर अल्लाह की रहमत अपनी रहमत से इस बंदे को तक। इसलिए ठहरो, अब बाप नहीं देगा, जो बेटा बनकर बाप का वसीला पेश करके दुआ मांगेगा अल्लाह ताला उसी बाप के सत्य उसकी दुआ को कबूल करेगा। आज जिस महफिल में जिस जलसे में तुम बैठे हो, सच्चाई हो तो कबूल कर लेना और अगर सच्चाई ना हो तो मेरी बात मुझे वापस कर देना। आप इस महफिल में ये सोच कर बैठा करो, नबी की महफिल है, हो सकता है कि ये महफिल दोबारा मिले ना मिले। आप बताओ, आपका जब आपकी रूह निकल जाती है, लोग कंधों पर लाद कर आपको कब्रिस्तान पहुंचा देते हैं, कितनी मोहब्बत है, ये भाई है, ये बेटा है, ये चचा है, ये भतीजा है, ये रिश्तेदार है, ये मामू है, मगर जिस दिन रूह निकल गई अब आपका कोई नहीं है। लोग आपको लाद कर कब्रिस्तान की संगला जमीन पर लेकर गए और वहां पर कब्र में रखा, पटरे लगा दिए, मिट्टी डाल दी, अब सब पलटे, मोहब्बत करने वाले, रिश्ते रखने वाले सब पलट गए। मैं पूछना चाहता हूँ, जलसे में आकर घड़ियां देखने वालों, अपने दिमाग में पूरा खास सोचने वालों, आपने कभी आखिरत सोची? आपने कभी मौत के बारे में सोचा? अरे तुम जिस दुनिया की मोहब्बत में तू जिंदा है, जब कब्र में उतार दिया जाएगा और कब्र में तेरी आँख खुलेगी तो वहाँ बाप दादा का चेहरा ना दिखाई पड़ेगा, बल्कि कब्र की काली कोठरी में भी आमिना के लाल का जलवा जब आप कब्र में तशरीफ लाएंगे तो जो मिलाद में मानता होगा वही तो कब्र में नबी को पहचानता होगा। आज मिलाद में आने के बाद नियतें अच्छी रखा करो, जब नियतें अच्छी होंगी तब मिलेगा, नियतें अच्छी होंगे तब मिलेगा। आप तो जानते हो मिट्टी देगी आदमी इतनी जल्दी भागता है, उसको फातिहा पढ़ने का दुआ करने का भी वक्त नहीं, और जैसे हालात तुम्हारे हैं वही हाल तुम्हारे साथ में होगा। आज तुम्हारे पास टाइम नहीं होगा, कल जब तुम पर वक्त पड़ेगा तो दूसरों के पास। लिहाजा अपनी नस्लों को सुधारो, अपने बच्चों को सुधारो और आदत डालो कि जब किसी भाई के जनाजे में जाया करो, किसी की मिट्टी में जाया करो, किसी की पाथिया में जाया करो, किसी की जलसे में जाया करो, नियतें अच्छी लेके जाया करो, ताकि हम जाएंगे आपने क्या पता अमीन कह दिया, हमारी दुआ कबूल ना हो, आपका अमीन कबूल हो गया, मरने वाले की बख्शिश हो जाएगी, मरने वाले की बख्शिश हो जाएगी। कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा और जो पढ़ेगा सही के औलाद के ऊपर दरूद आग से महफूज उसका तन बदल रह जाएगा। हम फकीरो बाग में है कोई दम के कह जाए, हम फकीरो बाग में है कोई दम के कह जाए, बुलबुलें उड़ जाएंगी सूना चमन रह जाएगा, बुलबुलें उड़ जाएंगी सूना चमन रह जाएगा। जब तुम्हारे माँ बाप दुनिया से चले जाए तो उनकी कब्रों पर जाकर फातिहा पढ़ा करो, उनका नाम लेकर उनका वसीला पेश करके दुआएं मांगा करो। और हजरात मैं आपसे कहना ये चाहूंगा, आज इस महफिल में आए हो तो कुछ लेकर के जाओ। कुछ लोग समझते हैं कि जब आपके घर में बेटी पैदा होती है आप सब खुश रहे होते हैं, जब बेटा पैदा होता है खुश हो जाया करते हैं। मैं आपसे कहूंगा अगर बेटा पैदा हो तो एक रहमत है, अगर बेटी पैदा हो जाए तो दस रहमतें नाज़िल हुआ करती हैं। आज जानते हो बेटियों को बोझ महसूस मत करो, आओ नबी का पैगाम और नबी का मैसेज लेकर के आप जाओ। आपको पता नहीं कि यही वो बेटी है जब आपके सहने आंगन में पलती है तो दस रहमत लेकर के नाजिल होती है, और यही बेटी जब सहने आंगन में पलत
बनती है और बड़ी हो जाती है, और जब उसकी शादी हो जाती है अगर नेक है तो शोहर के लिए जन्नत बन जाया करती है। चंद दिनों के बाद यही जब माँ बन जाती है तो उसके पैरों के नीचे जन्नत हो जाया करती है। मगर आज हकीक समझने वालों, मैं आपको एक बात बता करके अपनी बात को खत्म करना चाहता हूँ। एक वो बाप था जिसको अपने बेटों पर बड़ा घमंड था, उसके चार बेटे थे, उसको ये घमंड था कि मेरे चार बेटे हैं। एक बेटी की शादी करती थी और 10 साल तक उसकी दहलीज पर झांकने के लिए बाप नहीं गया था। उसके पास में 4 बिल्डिंग थी, एक एक बेटे को दे दिया, कहा एक बिल्डिंग तेरी, एक तेरी, एक तेरी, एक तेरी। मगर उसके बाद जानते हो वही बाप जब मौत के बिस्तर पर ले गया, वही बाप की जब तबीयत अजीब होती है वो डॉक्टर के पास गया, और डॉक्टर के पास जाने के बाद उसने अपना चेकअप करवाया तो डॉक्टर कहता है कि तुम्हारे गुर्दे फेल हो चुके हैं, लिहाजा जरूरत इस चीज की है, तुमको इलाज की जरूरत है वरना तुम बच नहीं सकते हो। उसने कहा डॉक्टर साहब बस इतनी सी बात है, इतनी दौलत का मालिक हूँ, पैसे खर्च करूंगा, दवा करा दूंगा। कहा पैसे से कुछ नहीं होता है, अगर कोई गोटा देगा तभी तुम बच सकते हो, उससे पहले तुम बच नहीं सकते हो। उसने कहा इसकी भी कोई टेंशन नहीं है, मेरे चार बेटे किसी बेटे को बुला लूंगा और ये काम भी हो जाएगा। डॉक्टर बोला ठीक है तब तो तुम सही हो जाओगे। अपने घमंड में था बाप पहुंचा और उसने बेटे को बुलाया, कहा बेटा आज मेरे गुर्दे फेल हो चुके हैं। डॉक्टर ने कहा गुर्दे की जरूरत है, तो बेटे ने कहा फिर कहा दे दो ताकि मैं बच जाऊं। तो बेटा कहता है बाप आपकी जिंदगी तो कट गई, अब बुढ़ापे का आलम है, हमारी जवानी बर्बाद क्यों करते गए। यही जुमला बेटे ने कहा था, दूसरे बेटे ने भी यही जुमला कहा, तीसरे बेटे ने भी यही जुमला कहा, चौथे बेटे ने भी यही जुमला कहा, और चारों बेटे पलट गए बिल्डिंग लेके। अब जानते हो बाप की आंख में आंसू के सिवा कुछ ना था, बाप के पास रोने के सिवा कुछ ना था, बाप आंसुओं के सिवा कुछ दे नहीं सकता था। बाप रोता हुआ डॉक्टर के यहाँ पलटा और पलटने के बाद कहने लगा डॉक्टर साहब ऐसा कीजिए अब जिंदगी होगी तो बच जाऊंगा, वरना मौत को गले लगा लूंगा। जब तक जिंदगी होगी इलाज कराते रहिए, जब तक जिंदगी होगी दवा देते रहिए। आप जानते हो मायूसी का शिकार है, आंख में आंसू है, सीने में कम है। डॉक्टर के पास गया और जाकर के हॉस्पिटल में लेट गया, डॉक्टर ने उसका इलाज शुरू किया और इलाज होता रहा, ये खबर फैल गई। आप जानते हो जब कोई मरीज होता है आहिस्ता आहिस्ता उसकी खबर पूरे शहर में फैल जाती है। अब ये जब बीमार हुआ इसकी खबर फैली और कहां पहुंची, उस बेटी की दहलीज तक पहुंची, जिस बेटी की शादी करने के बाद 10 साल तक ये बाप उसकी दहलीज पर छापने नहीं गया था, बेटों की मोहब्बत में ताप रहा था, बेटों पर खमन कर रहा था, हजार अब नहीं गया। जानते हो उस बेटी को खबर मिलती है जिसकी गोद में एक बेटा था 6 महीने का, उस बेटी के कान में खबर पहुंची बाप मौत के बिस्तर पर है, बेटों ने साथ छोड़ दिया है, पैसा भी काम नहीं आया है। उस बेटी ने 6 महीने बच्चे को गोद में लिया, अपनी आंखों से मोहब्बत में लिया और लेने के बाद में अपने घर से भागी और डॉक्टर हॉस्पिटल पहुंचती है और डॉक्टर के पास जाती है और पहुंचने के बाद आप खामोश रहिए, 2-4 मिनट की तवज्जो पूरी रखिए। हॉस्पिटल में है, बेटी दौड़ कर पहुंची, बच्चे को गोद में लिए है, डॉक्टर के पास गई और कहा डॉक्टर साहब फला रूम में मेरे कोई इंसान है जो मरीज है। कहा हाँ हाँ, कहा ऐसा कीजिए मेरे गुर्दे निकाल कर उसके डाल दीजिए ताकि वो अच्छा हो जाए। तो डॉक्टर कहता है ये तो बताइए आप हैं कौन, आपका नाम क्या है, एड्रेस पता तो दिए। बेटी कहती है डॉक्टर देर मत कर, अगर उस मरीज की जिंदगी का चराग दूर हो गया तो हालात क्या बनेंगे, ये पूछने की बात नहीं है, पहले इलाज कर उसकी जान बचा ले। इतना कहा डॉक्टर ने उसका गोता निकाला और निकालने के बाद में वो हॉस्पिटल की चारपाई पर लेट गई, वो गुर्दा बाप को डाल दिया गया। मगर डॉक्टर बोला बेटी अगर तुम्हारा बाप जब अच्छा होगा तो पूछेगा गुर्दा किसने दिया था तो मैं क्या बताऊंगी, लिहाजा एड्रेस दे दो, बता दे दो तुम कौन हो। बेटी कहती पहली बात तो बताना मत, अगर पूछे तो एक कागज कलम मुझे दे दो। बेटी ने कागज कलम दिया, उस पर अपना मजमून लिखा और लिखने के बाद कागज को लपेटा और कहा डॉक्टर ये पर्चा रख ले, अगर बाप पूछे तो बताना, अगर ना पूछे तो पर्चा देना मत। अचानक तो बेटी कुछ दिनों के बाद सही होती है और पलट कर वो बेटी चली जाती है। अब इसका बाप जब अच्छा हुआ, अच्छा होने के बाद हॉस्पिटल से निकला तो अपने साथियों से कहने लगा चलो डॉक्टर का शुक्रिया अदा कर दिया जाए, चलो डॉक्टर का शुक्रिया अदा कर दिया जाए। पूछा क्यों, अरे कहा डॉक्टर की ही तो ये करामत है कि मैं अच्छा हो चुका, डॉक्टर के पास पहुंचा। डॉक्टर साहब आपकी बड़ी मेहरबानी है, आपने बड़ी मेहनत की कि मुझे अच्छा कर दिया। डॉक्टर बोला सुनो हमारी कोई मेहरबानी नहीं, शुक्रिया तो उसका मनाओ जो एक बेटी आई थी जिसने तुम्हारी जान बचाई, शुक्रिया उसका मनाओ जो बेटी आई थी। कौन बेटी,
जरा बताओ तो उसका नाम बता दे, उसका एड्रेस क्या है, उसका पता क्या है, का कुछ बता के नहीं गई थी, बल्कि सिर्फ एक पर्चा दे करके गई थी। रात को पर्चा बेटी ने बेटी के जो दे के गई थी, अब बाप ने लिया पर्चा खोला, उस पर्चे पर लिखा था मेरे बाप मुझे कोई गम नहीं है, सिर्फ तकलीफ इतनी है कि 10 साल तक शादी करने के बाद तुम बाप होकर मेरी दहलीज तक नहीं पहुंचे। सारे मोहल्ले की लड़कियां जब छतों पर खड़ी होती थी और ईद तक चांद देखने के लिए, तो तुम्हारी बेटी ईद तक चांद नहीं दरवाजे पर बैठकर अपने बाप का चेहरा देखने को तरसती थी। कौन सा कसूर हो गया, कौन सी गलती हो गई, अरे बाप जो हमारी दहलीज तक आज तक नहीं पहुंचे। 10 साल हो गए शादी के, मैं बाप का इंतजार करती रही, मगर आज जब मैंने सुना कि मेरा बाप मौत के बिस्तर पर लेटा है, बेटों ने साथ छोड़ दिया है, तो मैंने कोई एहसान नहीं किया है। 18 साल तक आपने मुझे परवरिश की थी, मुझे पाला था, और पाल कर मेरी शादी तक क्या आपने मुझे रुखसत कर दिया था। मैंने कुछ नहीं किया, बल्कि मेरे बाप मैंने सिर्फ इतना किया, बाप से आप हमारे मैंने हक अदा किया है, मैंने कुछ भी नहीं कहा, मगर मेरे दिल में सिर्फ एक ही दर्द है, काश गलती होती, अगर आपस में टूट गए थे तो मेरे घर वालों से आपकी कोई नाराजगी थी, मगर बेटी से तो नहीं थी, मगर पैसे की घमंड में बेटा बेटी तक नहीं पहुंचा। बेटी कहने लगी मेरे बाप मैं चांद नहीं देखती थी, दरवाजे पर खड़े होकर के हर साल बाप का चेहरा देखने को तरसती थी, मगर मेरे बाप मुझे मौत की तमन्ना नहीं है। आखिरी 22 बच्चे में बेटी ने लिखा था और कहा था मेरे बाप अगर तुम्हारी बेटी के जिंदगी का चराग गुल हो जाए तो मेरे बाप कुछ मत करना बल्कि चले आना, बेटी को कांधा दे देना, बेटी की हसरतें पूरी हो जाएगी, हसरतें पूरी हो जाएगी, तमन्ना पूरी हो जाएगी। सिर्फ इतना कह करके अदाज पता चला, अब उस बाप ने जब हाथ पढ़ा आंख में से आंसू निकल रहे थे, बाप तड़प रहा था जिन बेटों पर घमंड किया था वो बेटे काम ना सके, जिन बिल्डिंगों पर घमंड था वो बिल्डिंगें काम ना सकी, मगर एक बेटी जिसको उसने छोड़ दिया था वही बेटी काम आई। आज रात जिन बेटियों को आप समझते हैं, आप सोचिए आपके जब दर्द होगा बेटा गुटका खा के घूमता रहेगा, मगर बेटी सैकड़ों मील की दूरी से रोती हुई आएगी, मोहल्ला जान जाएगा। आज इसके बाप की तबीयत खराब है, आज इसकी माँ की तबीयत खराब है। मैं आपसे कहना चाहूंगा और आपसे कहना चाहता हूँ, अल्लाह के नबी फरमाते कि सुनो, बेटियों को कभी तकलीफ मत दिया करो, बेटियों को कभी सताया मत करो, परेशान मत किया करो। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यही नसीहत है, यही पैगाम है। और जब बेटियां घर में आती हैं, बाप का साया सर से उड़ जाता है, और उसके बाद में अगर उनको कोई तकलीफ मिलती है तो कसम खुदा के रहने से उनको बाप याद आता है, अपना वालिद याद आता है। काश अगर मेरा बाप जिंदा होता तो आज मुझे ताने ना मिलते, अगर काश मेरा बाप जिंदा होता आज मुझे कुछ नहीं कहता कोई, मगर मैं आपसे कहना चाहूंगा बेटियां घर में आए तो उन्हें ताने मत दो, अगर बाप का साया चला गया तो उनसे प्यार करो, और याद रखो अगर तुम पराई बेटी से जिस दिन प्यार करना शुरू कर दोगे तुम्हारी बेटियों पर अभी सर। आज अलग कंडीशन, हम इस्लाम से इतना दूर है, मिलादों में भी हम रस्में अदा करते हैं, जलसों में भी हम रस्में अदा करते हैं, नाक को नाक समझ कर नहीं सुनते हैं, तकरीर को तकरीर समझ कर नहीं सुनते, बस कोई मौलाना खड़ा हुआ अरे ये भी नमाज रोजे की बताएंगे और हट जाएंगे, तो इधर उधर जहरी टेंशन आपका रहता है। मैं आपसे कहना चाहूंगा सुनो, आपके घर में अगर बहू हो आप सताना मत, परेशान मत करना, बल्कि मेरे जुमले नोट करके जाओ, अगर तुम ये चाहो कि मेरी बेटी सुकून से रहे, मेरी बेटी चैन से रहे, तो पलट। इस्लाम कहता है दूसरों की बेटी की इज्जत करना सीख ले, दूसरों की बेटियों की इज्जत करना सीख ले, और जिस दिन तुम ये सीख जाओगे उस दिन सुकून तुम्हारे लिए है, चैन तुम्हारे लिए है, तनाव तुम्हारे लिए है। मेरे दीनी इस्लामी भाइयों, मैं कहना चाहूंगा आज जालसी के हसीन मौके पर, आज किसी की जालसी में हम आए हैं, और हो सकता है एक दिन वो भी आएगा जब हमारी जालसी में आएंगे। हम सब लोग दुआ करते हैं अल्लाह की बारगाह में कि अल्लाह तआला अपने नबी के सबके सैयद की जिंदगी के कितने भी गुनाह हो नबी की मिलाद की बरकत से अल्लाह उनको माफ फरमा दे। सब लोग मिलके कहते हो आमीन, इसमें कंजूसी मत किया करो, इसलिए आमीन तुम सब इसलिए कहो, क्या पता मैं गुनहगार सियाकार हूं, मेरी दुआ ना कबूल हो, किसी कोई नेक बंदा बैठा हो जिसका आमीन कबूल करे। इतने लोगों में पता नहीं कौन ना आमीन कहते हो कबूल हो जाए, आप नहीं जानते, एक जनाजे को अगर चाहे पलिया मेरे से सिर्फ पहलवान है चार ही आदमी जाते हैं, मगर एक एक कदम पर कांटा क्यों बदलते, इसलिए बदलते। हो सकता है इसमें कोई जन्नती हो और किसी का कांटा लग जाए तो मरने वाला जन्नती, और अगर सब गुनेगार है
तो क्या पता जाने वाला जन्नती, क्या पता जाने वाला जन्नती हो। कंधा दे दो, अगर कंधा दे दोगे किसी जन्नती का तो तुम भी जन्नती हो। बेशक बेशक। हमारा इस्लाम है ये देता है कि सुनो आमीन गा करो, क्या पता हमारी दुआ नहीं इनका किसका कबूल। इसलिए अल्लाह ताला हम सबका आना कबूल फरमाए, बैठना कबूल फरमाए। और नबी की मिलाद की जो कुछ मैंने कहा है, वक्त की किल्लत की बुनियाद पर हमारे मेहमान बहुत दूर से इन्होंने सफर शुरू किया। अचानक मैंने सुबह जब टेलीफोन किया, जाना कहीं था, मामला किधर हुए, हजरत यहाँ तक पहुँच गए। बहर कैब मैं अपनी बात को बहुत जल्दी समेट कर मैंने इसलिए रखा, अगर आज अगर उनसे गुफ्तगू हमारी याद की होगी तो मैं किताब से बात करता, मगर टाइम कम में बहुत सारी बातें मैंने अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, हम सबको इस्लाम का सच्चा आशिक और सच्चा मानने वाला बनाए। अब अच्छा सही फैसला करके बताओ कि सलाम पढ़ दिया जाए कि शायद हम उसके आने वाले शायद की एक दो नाते की सुनिए, सुन ली जाए मोहब्बत से। सुभान अल्लाह कहा करो, इसलिए जब तुम कहोगे ये सब कुछ अभी ये उलमा हाथ उठाएंगे और सब कुछ ऐसा ले सवाब कर देंगे, ठीक है ना। तो इसलिए सारा मतलब एक बात अल्लाह अभी रुको कब लाए वाला बना दे। कुरान और हदीस की बातों पर मौला हम सबको अमल की तौफीक रब्बी कता फरमाए। ये सही लती का बिना तमाम था जो कुछ बयां हुआ या अल्लाह से मांग था आपको दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। दरूदों का मदीने में जो तोहफा भेज देता है खुदा उसकी हिफाजत को फरिश्ता भेज देता है, खुदा उसकी हिफाजत को फरिश्ता भेज देता है। अगर अजमेर से भेजे मदीना तो ताज्जुब क्या, अगर अजमेर से भेजे मदीना तो ताज्जुब क्या। अना सागर बुलाने को जो प्याला भेज देता है, अना सागर बुलाने को जो प्याला भेज देता है। दुआ कर दे अगर बाबा फरीद की अम्मी जब, दुआ कर दे अगर बाबा फरीद की अम्मी जब, तो मसल्ले में भी रब चीनी की पुड़िया भेज देता है, मसल्ले में भी रब चीनी की पुड़िया भेज देता है। और खुदा बरकत करेगा ऐसे बेटों की कमाई में, खुदा बरकत करेगा ऐसे बेटों की कमाई में जो अपने अम्मी अब्बू को मदीना भेज देता है, जो अपने अम्मी अब्बू को मदीना भेज देता है। मदा इसी के साथ शायद पहले सुनना जनाबे उनके स्वागत इस्तकबाल वेलकम नारे तकबीर नारे रिसालत से अपनी आवाज बुलंद कीजिए और मोहब्बत से बोलिए नारे तकबीर, और मोहब्बत से बोलिए नारे तकबीर नारे रिसालत बयां हालात करो। सुनने वाले दिल रखते हैं खुलकर दिल की बात करो, सुनने वाले दिल रखते हैं खुलकर दिल की बात करो। और मुझे करा सऊदी रियाल देता है और मुझे सुकून नबी का ख्याल देता है। और जब कभी तस्किरा होता है हुस्न वालों का जमाना मेरे नबी की मिसाल देता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और बैटरी भी लो।